दोस्तों इस वीडियो में गाजा की खबरों के अलावा भारत और पाकिस्तान के भी कुछ बड़ी खबरें हैं। तालिबान और पाकिस्तान में जंग शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान ने तालिबान के ऊपर हमला किया तो तालिबान ने भी पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी जगहों पर हमले शुरू कर दिए हैं। मामला उधर भी बिगड़ चुका है। भारत से भी खबरें आ रही है। एल्विस यादव का नोएडा पुलिस ने सिस्टम हैक कर दिया है। बड़ी खबर आ रही है एल्विस यादव से जुड़ी गिरफ्तारी की खबर तो आप लोग सुन चुके होंगे, जेल जाने की खबर भी सुन चुके होंगे, लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है, इस पर भी डिटेल से बात करेंगे। लेकिन आपको पहले गाजा की खबरें बता देते हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर लें, क्योंकि यह आपके लिए एक सेकंड का काम है लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अल शिफा हॉस्पिटल पर इजराइल की सेना ने एक बार फिर से हमले शुरू कर दिए हैं, जहां पर बहुत सारे बच्चे महिलाएं मरीज मौजूद थे। इसके अलावा वो लोग भी थे जिन लोगों के घरों को इजराइल की सेना ने हवाई हमले करके तबाह कर दिए हैं। वो लोग अल शिफा हॉस्पिटल में पनाह लिए हुए थे। आज सुबह सहरी के वक्त इजरायली सेना ने खतरनाक बमबारी की फायरिंग की, जिसमें कई सारे लोग घायल हो गए और कई सारे लोग भी मारे गए। इजराइल की सेना ने अल शिफा हॉस्पिटल पर जो हमला किया, इसकी पूरी दुनिया में आज फिर चर्चा होने लगी। हमला कोई छोटा मोटा नहीं था, बहुत बड़ा हमला था। अपने इस हमले को छुपाने के लिए इजराइल की सेना ने ये कहा कि इस हॉस्पिटल में कुछ आतंकी छिपे हुए थे जिन्होंने हमारे ऊपर फायरिंग की, जिसके जवाब में हमारी सेना ने इस हॉस्पिटल पर हमले किए। अब इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से दुनिया को बताया गया है कि हमने यह जो हॉस्पिटल के ऊपर कार्रवाई की थी, इस कार्रवाई में हमास का एक आतंकी मारा गया, टॉप का आतंकी, उसको मारने की खबर इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से बताई जा रही है। मारा कौन गया वह भी मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल गाजा के अंदर पुलिस सेवा के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल फाइक अलम्बाहू, इनको इजरायली सेना ने अल शिफा हॉस्पिटल के अंदर हमला करके मारा है और इनको हमास का आतंकी बताया जा रहा है। इजराइल का कहना है कि हमास के टॉप के आतंकी है जिसको हमने हॉस्पिटल में मारा था। हमने कोई ऐसे ही हॉस्पिटल पर कार्यवाही नहीं की है, जबकि जो स्थानीय सूत्र है गाजा की वो बता रहे हैं। गाजा में जो पुलिस तैनात रहती थी, थोड़ी बहुत उसके लिए कमांडर थे, जनरल थे। गाजा में मौजूद मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये जो कमांडर ब्रिगेडियर जनरल थे, ये UNRWA के भी बहुत ज्यादा सहायता किया करते थे। UNRWA जो फिलिस्तीनियों की मदद करती है संस्था, उसको काफी हेल्प करते थे। बहुत सारे अच्छे अच्छे काम इनके तरफ से किए जाते थे गाजा के अंदर, लेकिन हमास का आतंकी बताकर इजरायली सेना ने बहुत सारे अच्छे अच्छे काम इनके तरफ से किए जाते थे गाजा के अंदर, लेकिन हमास का आतंकी बताकर इजरायली सेना ने इनको आज हॉस्पिटल के अंदर मार दिया। फिलहाल खबर यह भी आ रही है कि कई सारे अल जजीरा के पत्रकारों को भी इजरायली सेना ने अल शिफा हॉस्पिटल से गिरफ्तार किया है। यूनिसेफ ने गाजा के बच्चों को लेकर एक रिपोर्ट पेश की है, जिसमें गाजा के बच्चों की हालत बताई गई है। यूनिसेफ पूरी दुनिया के बच्चे के देखभाल करता है, लेकिन इससे जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी तरफ से गाजा के बच्चों को लेकर शायद ही कोई ट्वीट किया गया हो। स्टेटमेंट यूनिसेफ की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। हमारे देश के अंदर सचिन तेंदुलकर भी यूनिसेफ का हिस्सा है, प्रियंका चोपड़ा भी यूनिसेफ का हिस्सा है, और भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज दुनिया भर के यूनिसेफ का हिस्सा है, जो दावा करते हैं कि हम बच्चों को देखभाल करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, कहीं पर भी अगर युद्ध होता है। यूनिसेफ ने रिपोर्ट में कहा है कि गाजा के हालात इस वक्त ऐसे हो चुके हैं, जो 3 साल के गाजा के अंदर बच्चे हैं, तकरीबन 31% बच्चे पूरी तरह से कुपोषण का शिकार हो चुके हैं। कुपोषण का शिकार होने का मतलब यह है कि अगर कोई बच्चा इसकी चपेट में आ जाता है तो उसका शरीर जो है वह खुद खत्म होना शुरू हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ हड्डियां का ढांचा ही बचता है, उनके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं बचती कि बच्चा रो सके। यूनिसेफ की रिपोर्ट को पेश करते हुए एक पत्रकार ने कहा कि मैं उस वार्ड में गाजा के अंदर जहां पर 3 साल तक के बच्चों को रखा गया था, उस वार्ड में पूरी तरह से सन्नाटा था, एकदम खामोश। बहुत सारे बच्चे वहां पढ़ते, लेकिन खामोशी थी। इसके सबसे बड़ी वजह ये थी कि इन बच्चों के अंदर अब इतनी ताकत भी नहीं बची है कि ये रो सके, इसीलिए बिल्कुल सन्नाटा हुआ था। इतने बच्चों के होने के बाद भी, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गाजा की हालत इस वक्त कैसे है। तो ये कुछ खबरें थी गाजा की जो आपके सामने रखी।
तो अब पाकिस्तान की तरफ ले चलते हैं। और अभी कुछ देर पहले पाकिस्तान की वायुसेना ने अफगानिस्तान के अंदर घुसकर कुछ हमले किए हैं, जिसमें कई सारे लोगों की मौत हो गई है। पाकिस्तानी वायुसेना का कहना है कि हमने TTP यानी कि टिहरी के तालिबान पाकिस्तान इसके ठिकानों को टारगेट करके निशाना बनाया है, क्योंकि यह तहरीक तालिबान पाकिस्तान संगठन जो है वह हमेशा हमारे ऊपर हमले करता है, हमारे सेना के लोगों को मारता है। पाकिस्तान इन संगठन को आतंकी संगठन कहता है। बलूचिस्तान के एरिया में TTP यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान काफी एक्टिव रहता है। अफगानिस्तान के अंदर भी इसके अड्डे हैं। तो पाकिस्तान की वायुसेना यही दावा कर रही है कि हमने उनके ठिकानों पर हमले किए हैं, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई है। पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक के बाद जो तालिबान की सरकार है वो पूरी तरह से भड़क चुकी है और पाकिस्तान को बदले की धमकी देती है। तालिबान सरकार के स्पोक पर्सन नबीउल्लाह मुजाहिद ने स्टेटमेंट देते हुए कहा है कि हमने पाकिस्तान के उन 9 मुख्यालयों पर हमला किया है, जो 9 मुख्यालय तालिबान पर हमला करने में शामिल थे। हमने अपने हमले का हमला करके बदला ले लिया है और आगे भी हम पाकिस्तान पर हमला करते रहेंगे। फिलहाल दोनों के बीच इस वक्त घमासान छिड़ा हुआ है। पाकिस्तान तालिबान के ऊपर हमला करने के लिए तैयार बैठा है, इधर तालिबान पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए तैयार बैठा है। फिलहाल 8 लोगों की पाकिस्तानी हमले में मौत हुई है। फिलहाल भारत की तरफ वापस आते हैं। एल्विस यादव नाम तो आपने सुना ही होगा, सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर है। यूट्यूबर एल्विस यादव बिग बॉस जीतकर भी आए, लोगों ने इनको बहुत ज्यादा प्यार दिया। इनके जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने बहुत बड़ा देशभक्त और बहुत अच्छा धर्म का रक्षक मानते हैं। आप सभी लोगों ने इनकी सारी बातें देखी और सुनी होंगी। कट्टर हिंदू ये अपने आप को मानते हैं, लेकिन इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। कट्टर हिंदू एल्विस यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। आखिर किस आरोप में गिरफ्तार किया गया है वो भी आपको बता ही देता हूँ। मामला पिछले साल का है, नवंबर के महीने में एल्विस यादव के ऊपर एक आरोप लगा, एक केस दर्ज हुआ कि एल्विस यादव रेप पार्टी करवाते हैं। इस पार्टी में होता क्या है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। हसीनाएं नाचती हैं, तरह तरह के वहाँ पर जहर का ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है। रेव पार्टी में सांपों का जहर से बना हुआ ड्रग्स भी इस्तेमाल किया जाता है। रेव पार्टी में क्या होता है आप लोग गूगल पर सर्च करके देख लेना। तमाम अध्ययन इनसे रेव पार्टी में होती है, वह ये एल्विस यादव करवाते थे। ये बात हम नहीं बोल रहे हैं, बल्कि अब इन्होंने खुद अपना जुर्म खुद कबूल कर लिया है। दरअसल मेनका गांधी जो बीजेपी की एक बहुत बड़ी नेता है, पशु पक्षियों से बहुत ज्यादा प्रेम करती है, उन्होंने इनके ऊपर केस किया था। एल्विस यादव ने सबको चुनौती दी कि अगर मैं इस मामले में शामिल हूँ तो मुझे सजा दी जाए, मुझे बेवजह इस मामले में घसीटा जा रहा है, मैंने कुछ भी गलत काम नहीं किया। फिलहाल मामला ठंडे बस्ते में उस वक्त तक पहुँच चुका था, पुलिस इन्वेस्टिगेशन लगातार कर रही थी। सोशल मीडिया पर एल्विस यादव की एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग थी, इस वजह पुलिस भी एल्विस यादव के ऊपर हाथ डालते हुए थोड़ा सा सोच रही थी, सबूत इकट्ठे कर रही थी। फिलहाल यूपी नोएडा पुलिस ने एक बार फिर कल एल्विस यादव को गिरफ्तार कर लिया, कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने 14 दिन के न्यायिक हिरासत में एल्विस यादव को भेज दिया है। खबरें आ रही है कि अब एल्विस यादव ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। NDTV की रिपोर्ट आपके स्क्रीन पर और मीडिया चैनल की रिपोर्ट है। अगर सारे सबूत के एल्विस यादव के खिलाफ जाते हैं तो एल्विस यादव लंबा जा सकता है। सजा का प्रावधान इसमें बहुत लंबा है, 10 साल तक की भी सजा एल्विस यादव को हो सकती है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं और नए खबरों के साथ। धन्यवाद।